सीएए व एनआरसी को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई अराजकता के बाद से ही प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आला अधिकारी भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आज कुशीनगर जनपद के हाटा कोतवाली में एक गोरखपुर के कमिश्नर जयंत नार्लिकर और गोरखपुर एडीजी रेंज जय नारायण सिंह ने समीक्षा बैठक की, जिसमें कुशीनगर के जिलाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्रा और जिले के तमाम उप जिलाधिकारीगण मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में सीएए को लेकर लोगों के भ्रम और अफवाहों के संबंध में अपने मातहतों को कमिश्नर ने संबोधित किया और जिले के हालात का जायजा लिया। जनपद के अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दिशा निर्देश दिए। मीडिया से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि सीएए को लेकर लोगों के मन में जो भ्रम है उसे सही माध्यमों से जानकारी कर दूर करना चाहिए। सीएए किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। कमिश्नर ने कहा कि सोशल मीडिया पर यदि गलत चीजों को कोई फैलाता है या अफवाह फैलाता है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। भ्रम, आप लोग सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, मीडिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप लोग चीज़ों को सही तथ्य को रखेंगे तो मुझे लगता है ये जो भ्रम की स्थिति कुछ लोगों में है वो बिल्कुल दूर की जा सकेगी। देखिए, एनआरसी की तो कोई बात हम कर नहीं रहे क्योंकि एनआरसी तो अभी है भी नहीं, कोई इसके बारे में कुछ आया भी नहीं। सीएए की हम बात कर सकते हैं जो कि एक्ट बन गया है, सीएबी से सीएए बन गया। और उसमें यदि आप, और मैं हर जगह ये बात कह रहा हूँ कि लोगों को आप बताएं कि ये जो गवर्नमेंट सोर्स हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट हैं .in जिसे कहते हैं, उनकी वेबसाइट और सोर्सेस यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सीए किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं है। अब आप सीए को किसी प्रिजम्पटिव चीज़ से, आगे आने वाली चीज़ से वो आएगी भी कि नहीं आएगी, उससे लिंक करके लोगों को बरगलाएं तो ये ठीक नहीं है। और यही हम लोगों ने आज बात की है कि हम उनके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। सीए किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। इनफेक्ट कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कहीं पर शोषण हुआ है, उनको सपोर्ट करने, और वो ऐसा नहीं है, वो आपके देश में पिछले 5 साल से रह रहे हैं, कोई नया आने वाला नहीं है, वो 5 साल से आपके यहाँ रह रहे हैं। 2014 का थ्रेशोल्ड है, 2014 के बाद कोई नया आ नहीं जाएगा। तो मेरा अनुरोध ये है कि उसके डिटेल पढ़ लें, गवर्नमेंट के सोर्सेज से पढ़ लें जो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है। और इसमें हम बार बार हर जगह घूम के ये कह रहे हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारियों ने कहा है कि किसी के विरुद्ध नहीं है। सोशल मीडिया में यदि कोई अफवाह फैला रहा है, कोई गलत चीज़ कह रहा है, उसको हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कई लोगों पर अलग जिलों में भी की गई है, गोरखपुर में भी की गई है, कुशीनगर में भी यही निर्देश दिए गए हैं। तो यही मैं बार बार कहूँगा कि कोई भी सीए ऐसा नहीं है, किसी के विरुद्ध नहीं है। आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, सभी लोग इतने वर्षों से एक दूसरे के साथ रहते आए हैं और ये जो उन्माद है ये रहना चाहिए, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। जैसे कि अभी कुशीनगर में आपका आगमन हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है? सो बेसिकली आप जैसा कि एडीजी रेंज साहब और हम जितना भी हमारी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मशीन भी है उसके साथ हम एक रिव्यू करना चाहते थे कैसी चीज़ें चल रही हैं। और अभी भी हम सचेत रहेंगे, विजिलेंस अपनी मेंटेन करेंगे, विजिल रहेंगे जिससे कि कोई भी ऐसी घटना ना हो पाए। तो एक ये रिव्यू का जो हमारा होता है कि एक समीक्षा कर ली और एसपी डीएम और उनके जो अधिकारी हैं उनसे भी हमने फीडबैक ले लिया जिससे कि चीज़ें हमारी जो हैं पूरे मंडल में एक शांति बनाना है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।